हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं संतोष गहलोत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस जीवलोक्स एंड टेरिस गार्डनिंग के एक और नए व्लॉग्स में। एक्सरसाइज जब मेरी हो गई थी तो फिर मैं वो कई दिन से मैं दिखा भी रही थी टमाटर के ना, इनको सपोर्ट तो दे के दिया था पर ये गिरने लगे थे तो बांधे नहीं थे, तो आज इनका फिर ये मैं बांधने वाला अरेंजमेंट कर रही हूँ। प्लास्टिक के मंगवाए हुए हैं तो उनसे के साथ खड़े कर दूंगी, ना तो फिर ये लंबे बजरने की बजाय ऐसे साइड में गिर जाते हैं। फिर मैं अपने मटकियाँ में लगी थी किचन वेस्ट का कंपोस्ट बनाने के लिए, मटकियाँ में डालने के लिए एक लहर इसकी लगा देती हूँ, एक ऊपर से पत्ते हैं कि फिर ये आज भर गया था तो ऊपर से मैंने वो लगा दिया था इसके ऊपर कंपोस्ट का, तो फिर वह जल्दी डीकंपोस्ट हो जाती है 1 महीने में ही, क्यों ये थोड़ा गिल्ला गिल्ला होता है ना वर्मी कंपोस्ट, तो ठीक बन जाती है, अच्छी बन जाती है। हाँ जी, राम राम, वेलकम बैक। टाइम हो गया, 7 बज गया। एक्सरसाइज होते हैं आज, मैं अपने काम लगी थी करने की। टमाटर का स्पोर्ट दें, कई दिन हो गए थे, गिर जाएंगे ना, तो आज लगा देती हूँ उनको, बांध देती हूँ उनको डंडा से ना, थोड़ा हा ऊँ स्पोर्ट दिया ना, तो कई दिन हो गए, 10-15 दिन। मेरी हरकतों में रह रहे थे वो, बांधने पीछे बांधने वाले नहीं थे तो वो बांध दिए सब का, जिसको भी स्पोर्ट दिया हुआ था 3-4 15-16 थे चेरी टमाटर और दूसरे टमाटर, तो सब कोई बांध दिया। फिर खाद वाला भी अपना वर्मी कम किचन वेस्ट वाला वो भी कर दिया, 3 मटके भर गए हैं। ठीक, तो सर्दियों में वो भरेंगे ये यहाँ को सारा, ये उधर भी ग्रीनरी, इधर भी जैसे दरवाजे में से आते हैं तो खिला हुआ बहुत सुंदर लगता है। यूँ घुसते हैं छत पे से ग्रीन ग्रीन यूँ दिखता है ना, ये आते हैं तो अच्छा लगा है। अब क्या होएगा क्या नहीं वो पता नहीं। टाइम हो गया 8:30 हो गए हैं, तो कपड़े धो के आई हूँ, सुखा के नहीं आई, सुखा के बाद में आऊँगी, पहले सब्जी बनाती हूँ। सब्जी में आज एक तो बन रही है मूली की, मूली के पत्ते की, पहले एक दिन बनाई थी उसी दिन मूली मूली के पत्ते की थी। आज थोड़ा आलू डालूंगी और पालक डालूंगी, थोड़ी पालक ले आई थी छत पे से काट के, और थोड़ा आलू डालती हूँ, इसका टेस्ट अलग होता है। उस दिन जल्दबाजी में बना दी थी एक दिन, अरे अभी तो सीजन है, वैसे भी मूलियों का दाल के साथ फिर अच्छी लगती है, दूसरी दाल बॉइल कर रहा है, दाल हो जाएगी साथ में सूखी, फिर अच्छी लग जाए ना दाल के साथ, तो 3-4 थोड़ी सी तीखी ही अच्छी लगेगी। हींग डाला था और लहसुन अच्छा डाला है और मिर्ची थोड़ा, हींग में ना मूली की भुजी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा अच्छी लग गया, मेरे को अच्छी लग गया कर ना, हम तो खा लेते हैं सारे, हींग का जरूर डालते हैं अगर मूली की भुजी बनाते हैं ना। पहले आलू डालूंगी फिर पत्ते वो मूली डालूंगी, क्यों आलू में फिर टाइम लगता पकने में, थोड़े आलू होएंगे ना दाल छोड़ दूंगी। इस तरह एक आलू डाल कर भुजी को बनाते हैं ना तो टेस्टी बनती है, तो पहले मैंने थोड़े ही पका लिए थे आलू, तो फिर बाद में डाल दिए थे, पहले मूली भी थोड़ी ही मैंने डाल दी थी, एक आध जो पत्तियाँ में मिली हुई थी बस वो ही रह रही थी, तो गल जाती जल्दी ही गल जाती है मूली में, कोई देर नहीं लगती जी। दाल चौंक दी है, भुजी बनने लग रही है, अब तवा रख दिया है, क्यों ऑफिस का टाइम हो रहा है ना, कपड़े कपड़े में लग जाओ ना फिर टाइम लग जाता है, फिर साथ में घी भी निकाल दिया, मक्खन ज़्यादा हो रहा था तो यो भी ताया, तो इसका ऊपर का उतार कर पहले कुत्ती आकर डाल के आई हूँ तो वो खा लेती है। अब इतने तवा गर्म होएगा भाग के थोड़ा हरा धनिया नहीं, अब काट के लाते हूँ छत पे से, ये है छत वाले का, अब जो मोल वाला लाते हैं ना वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, उसमें से खुशबू ही नहीं आती है, जो हम छत से काट के लाते हैं ना उसमें से एक अलग ही खुशबू आती है धनिया की, एक बार वो लेते हूँ, इतना तवा गर्म होएगा धनिया काट लिया हूँ। हो गया 1:45 हो गया, 10 मिनट रह रही है 1 बजने में। आजकल मेरी ललिता लेट आती है, 11:30 आती है, सामने है दो हमारी फ्रेंड है, वो अपने बुड्ढे का ऑपरेशन करवा रही है, उस के कारण बीच का टाइम अब उसको दिया हुआ है तो उसके कारण लेट हो जाती है। मैं चल कोई बात नहीं, 10-20 दिन की बात है, 1 महीना लगा लो 1.5 महीना, वो अब सुबह करवाती है तो मैं कोई नहीं चल उनका करते इतने 1-1.5 महीना, पर मेरे को इतना मज़ा लेट नहीं आता 11:30 में, 11:30 वो आती है, फिर बाहर खड़ा हो तो कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, टाइम ऐसा हुआ है, और फिर सीज़न भी गर्मी होती तो कोई नहीं बाहर निकलता है, कोई ना कोई बाहर निकल जाता है तो थोड़ी देर फिर बाहर खड़ी होगी, तो यूँ ही टाइम हो जाता है 1:45 ही हो गया, 1:45 से ऊपर 10 मिनट रह रही हैं, तो अब अपनी लंच की तैयारी करती हूँ। सुबह मैंने अपना दोबारा स्टार्ट कर दिया है, तो सुबह मैंने अपने फ्रूट ले लिए थे और ड्राई फ्रूट, पर चेंज कराया करूँगी जिस दिन लूँगी, ग्रीन टी अपनी पी ली थी, ग्रीन टी पीती पीती मैं बाहर खड़ी थी, बल्कि मैं हंस रही थी, मैं वो पोछा लगा रही थी, मैं अपनी सीढ़ियों में बैठ के ना ग्रीन टी पी रही थी, तो बैठ के ना अपनी पी लेती हूँ, उसके साथ बातें भी हो जाती हैं, 12 बजे ही तो पिए थी, तो अब लंच टाइम ही हो रहा है, अब बनाती हूँ खाना आज, अब मूली की भुजी और दाल, और अब चटनी बनाऊंगी थोड़ी ही धनिया की ना, हरी मिर्च और लहसुन डाल के ना थोड़ी ही दही डाल दिया करूँ तो दाल के साथ अच्छी लगा कर, साथ में भुजी और सैलेड हो जाएगा, फिर दिखाती हूँ।
बस ये दोपहर का टाइम था, पहले तो घी छाना जो गरम कराया था, जताया था, तो फिर चटनी बनाई थी, फिर मैं लगी थी अपने बाजरे की रोटी बनाने। बेटा अपनी ले गया था तो मैं अपनी लगी थी लास्ट में बनाने। खा लो बाजरे की रोटी, दाल है, भुज्जी है, मूली की भुज्जी, बाजरे की रोटी और दही की कटोरी, और चटनी है धनिया की। तो धनिया की चटनी फ्रेश फ्रेश और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अपना घर वाला धनिया है, क्यों बाहर वाले में बिल्कुल भी वो नहीं आती उसकी थोड़ी सी भी खुशबू, थोड़ा भी धनिया का ना आता, तो घर वाले में आता है अपने। जब भी जरूरत पड़ा अपना, जब भी काट लिया, जब भी तोड़ लिया उसने, और जब भी बना लो, सुबह तोड़ के लाई थी अपना, बना दी दो दादा ने रख रखा था, और साफ ही होता है, कोई काटने छाटने का नहीं, कुछ नहीं, कोई झंझट नहीं। भुजी बड़ी स्वाद बनी हुई है, इनका एक अलग ही आ रहा है भुजी में से, तो अच्छी बनी हुई है, स्वाद लगे। अगर बाजरे की रोटी साथ में और दही हो तो फिर तो और भी ज़्यादा अच्छी लगे, तो खा लेती हूँ, जिसने खानी है आ जाओ बाजरे की रोटी। वेलकम बैक, टाइम हो रहा है 2:45 हो रहे हैं, बर्तन धो दिए थे आज काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे दोपहर में, नहीं इतने होया नहीं करते आज पता नहीं क्यों ज़्यादा हो गए, असल में तो कुछ चटनी चटनी बनाए फिर सब्जियाँ धो थी तो उसके कारण हो गए थे। एक आध फिर वो घी जैसे ताया था गर्म कराया था तो उसके पतीले वगैरह वो हो रहे थे तो उसके कारण ज़्यादा हो गए थे। फिर कपड़े उतार ले आई, कपड़े फोल्ड करे क्यों कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और ये ऊपर से लाना और उतारना वो भी एक टास्क है डेली का, अभी तो जिस दिन धोया करेंगे छत पर जाना पड़ा करेगा, छत पर से लाने सुखाने भी और उतार के भी लेने। ये भी अपनी ग्रीन टी ले रही हूँ और नींद आ रही है बहुत ज़ोर की, ये लेकर ना ज़्यादा गर्म नहीं करके ले आई तो लेटूँगी, क्यों वैसे हो रही है जैसे ना आँखों में और सिर भारी भारी है, बस लेट जाऊँ और सो जाऊँ, तो मैं पहले पी लेती हूँ फिर लेटूँगी, फिर आधा घंटा ठीक से नींद आ जाए ना गहरी ही फिर ठीक होया उठता आदमी, और थक भी जाते हैं सुबह से, असल में 4:45 बजे की उठी हुई हूँ, 4:45 से अब तक तो एक बार तो लौटना पड़ता है ना लेट करना। अपनी शाम की ड्यूटी करने के लिए आई हुई हूँ, उधर मिस्त्री लगे हुए हैं ऊपर मकान बनने लग रहा है वो, चल पड़ी ना मशीन गरड़ गरड़, जबकि बिल्कुल नहीं चल रही थी, मैं काम लग रही थी जबकि उनकी आवाज़ आवा थी, अब मशीन की आज हम लग रही है। महाराज 5:15 ही हुए हैं, मेरा काम हो गया, बस थोड़ी देर झूले पर बैठी हुई थी मैं, चल थोड़ी देर बैठते हैं जब तक शहर का टाइम नहीं होता ना, तो सूरज महाराज लाल चटकारी दे रहे हैं बिल्कुल लाल, सूरज महाराज सुबह तो दिखते नहीं, अब 7:05 पर 7:10 पर जाती हूँ मैं, पोल्यूशन के कारण दिखाई नहीं दिया करते है, इस टाइम भी पोल्यूशन कम ही दिखते हैं, पर अब तरफ मकान ही मकान बना है चारों तरफ से, घूम 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 घूम, सर्दियाँ में ऊपर बैठना मुश्किल होएगा अब की बार, क्यों 15-20 दिन में जिस हिसाब से धूप लग निकल रही है तो बाहर बैठा जाएगा, धूप निकले नहीं रही, मेन बात यह है निकल ही नहीं रही, और छत पर लगे भी अच्छा है, सारे को ग्रीनरी ग्रीनरी है ना, दिन में भी कई बार मन कर जाता है जैसे छत पर चले, अब शाम को मेरे को थोड़ा ही काम था फिर मैं चलो करके आते हैं, फिर सुबह कम होएगा ना, इस टाइम अगर कर जाते हैं ना तो सुबह फिर इतना नहीं रहता, सुबह थोड़ा बहुत होता है, तो टाइम तो देना ही पड़ता है, अगर आप कर रहे हो गार्डनिंग तो थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ेगा डेली सुबह शाम, पर अब बंदर नहीं आ रहे, ये है महीना सारा हो गया कहीं नहीं दिखे हैं सेक्टर में, या तो कहीं चले गए या दूसरी साइड है कहीं, ये सुख सा हो रहा है, कभी मैं सुबह और शाम दोनों टाइम लगाती हूँ मैं, बाई चांस आए तो उनको ये रहा एक आदमी छत पर घूमता रहता है, ठहरे के बाद तो ये पटाखे बजने लगे ना उसके बाद आए नहीं है, या तो पटाखों से डरते भागे हैं, चले भाई चलते हैं अपना, फिर सैर करने का टाइम हो रहा है, फोन आने वाला है, नीचे जाकर ना बर्तन वगैरह साफ करें, आटा उटा भी सब्जी तो दिन वाली ही बची हुई है, दाल भी और बचेगी तो अब नहीं बनाऊँ, चटनी भी बच रही है बस आटा ही देना है, यहाँ यहाँ 3 मकानों में चल रही है ये मशीनें। टाइम हो गया 5:45, आज लेट हूँ सैर करने में, अंधेरा हो रहा है बिल्कुल ही, क्यों किचन के काम लगे थे और मेरा पार्टनर कपड़े धो रहा था आने में उसको लेट हो रहा था, मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने काम निपटा दूँ एक चक्कर, फिर देर से तक लगा लेंगे, तो इसलिए मैं अपने सारे निपटाए के चली हूँ, अब बस आकर ना मैंने रोटी रोटी सेकनी है, सारे काम हो गए, तो जाने से पहले फिर मैं व्लॉग की भी एंडिंग कर देती हूँ, कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए राम राम।